कि कुरान हकीम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की हदायत को बुलंद मर्तबे तक बल्कि एपेक्स तक पहुंचाने का सबब बना है। और कुरान मखलूक नहीं है, ये गैर मखलूक है, अल्लाह की सिफत है। नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की मखलूक है, लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम भी कभी इस चीज को पसंद नहीं फरमाएंगे कि कोई शख्स ये जुमला बोले कि मेरे कदमों से कुरान मिला। हाँ, मेरे जरिए से मिला, बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह और मखलूक के दरमियान वसीला और वास्ता वक्त का पैगंबर ही होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये अल्फाज का चुनाव, ये बड़ा डेंजरस मामला है। यानी वो पैगंबर जिसके बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी ने खुतबा देते हुए कह दिया, मैं युतिअल्लाहा व रसूलहु फकद रशदा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो कामयाब हो गया। वह मैं यासिहिमा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की फकद गवा, वो बहक गया। और हुजूर गुस्से में आ गए, फरमाया बिसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है वो तू, तुझे चाहिए था कि तू कहता वह मैं यासिल्लाहा व रसूलहु फकद गवा। सही मुस्लिम 2010 नंबर हदीस है ये। उसने नहीं आगे से बरेलवियों की तरह कहा कि या रसूलल्लाह हम आपको मुस्तकिल बिज़ात नहीं मान रहे, गैर मुस्तकिल बिज़ात मान रहे हैं, आपका ये मामला महदूद मान रहे हैं, हम अताई मान रहे हैं। ये उस जमाने में कहानियां नहीं होती थी। और अबू दाऊद में तो आगे बड़े सख्त अल्फाज हैं, आपने फरमाया कुम इज़हब, उठ निकल जा इधर से। ये वो शख्स कह रहा है व इन्नक अला खुलुकिन अज़ीम, लेकिन तौहीद इतना सेंसिटिव इशू है कि इमामुल मुवाहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टॉलरेंस जीरो है, जीरो टॉलरेंस है। इसलिए खुदा के लिए अल्फाज का चुनाव करते वक्त जरा गौर किया करें कि क्या नबी इस्लाम आपके इस एटीट्यूड से खुश होंगे जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। हालांकि उस सहाबी ने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जुमला नहीं बोला, लिटरेचर में ये परफेक्ट जुमला था कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हुआ, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो नाकाम हुआ। बल्कि ये जुमले का ऐब होता है उस चीज को रिपीट करना, जब वो अल्लाह रसूल को अलग कर चुका था उसके बाद दोनों कहना काफी था। लेकिन नबी इस्लाम को पता था कि इससे दरवाजा खुल जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त अल्फाज के अंदर उसे कंडेम किया। लेकिन आपको हैरान कौन बात बताऊं, आज तक मैं दर्जनों बरेलवी और देवबंदियों की मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ चुका हूं, आज तक वह मैं यहां से हिमाई पढ़ते हैं वो, पता नहीं कोई उन्होंने लिख के उनको खुतबा पकड़ा दिया हुआ है। अभी अगले दिन मैं जमात इस्लामी की मस्जिद में पढ़ रहा था, वह मैं यहां से हिमा, देवबंदियों के पीछे काफी अर्सा मैंने पढ़ा, बरेलियों के पीछे, वो आज तक उस तरह ही चल रहा है। क्योंकि जाहिर है जब दरस निजामी में आपको फिक पढ़ाई जाए और आखिरी दौरा हदीस हो, जिस तरह वो एंड पे दूधपति का दौरा होता है मजलिस के, तो वो किसको याद रहनी है।